पहले परमात्मा का धर्म, परमात्मा अदृष्ट अश्रुत अमूर्त अलक्ष्य, उनका लक्ष्य नहीं है, अदृष्ट है वो दिखाई नहीं पड़ते, अमूर्त उनका कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, अनंत है, अशेष है, सर्वव्याप्त है, व्यापक है, इसीलिए उनको विष्णु कहा जाता है। ओ ही विष्णु ज्योति स्वरूप में रहते हैं या अक्षर स्वरूप में रहते हैं त्रिकुट में, और संसार में लीला रचना करते हैं प्रकट होगी। बेबेष्टि सर्वचराचरम जगत इति विष्णु, विष्णु विभूषण जो जिनका गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं, धूप नहीं और छाए नहीं, वो परमात्मा है। परमात्मा मुख है, गूंगा है, सुनने वाला है, देखने वाला है, साक्षी है, दृष्टा है और फलदाता है। वही ब्रह्म रूप से योगियों का ध्यान से प्रकट होते हैं, ज्ञानी इनको सर्वव्यापी बोल के जानते हैं, जानने वाला ज्ञानी है। तब ब्रह्मा षड्चक्र भेद करने का बाद योगी त्रिकुट संधि में इनको ब्रह्म रूप में देखते हैं, ज्योति स्वरूप में। वही ब्रह्मा ज्योतिषमान है, प्रकाशमान है, अंधेरा उनका पास नहीं रहते, और मन से ही ध्यान धारणा होता है। ध्यानम निर्विषयम मन तत्र प्रत्येकता न तद्ध्यानम छाया तपो वेद वीद वदन्ति। वह लोकपत लीला तू कैवल्यम एकाकी नरमते, अकेले ही रहते लोक का समान लीला करते हैं, तू कैवल एकाकी अकेले रह नहीं सकते भी, वो सबसे पहले था, है और रहेंगे, और इनका बात जो कुछ है ये सब उनमें मिल जाएगा। एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, ये ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में। तब परमात्मा से जो प्रकृति महत्तत्व आवरण से सत रज तम का समान अवस्था प्रकृति है, सत्व गुण से सात्विक, रजगुण से राजसिक और तम गुण से तामसिक, इन तीनों गुणों में देवता असुर और मनुष्य, मनुष्य सत्वगुणी, देवता रजगुणी, असुर तमगुणी। लेकिन असुर को ये मत समझो गुणतम है, लेकिन वो आत्मा आत्मवित्ता है, असुम प्राण है, प्राण को जानते हैं, प्राणवित्ता है, प्राणवायु को भले भांति असुर जानते हैं, इसीलिए कठोर तप करते हैं। तामसिक गुण को लेकर इनके पास दया नहीं है या क्षमा नहीं है। दुर्जन हस्य खुत क्षमा, एक दुष्ट व्यक्ति तुम्हें क्षमा जा तुम जा क्षमा जाचना करने से क्षमा दे भी सकता है, लेकिन उनका क्षमा का क्या मतलब है? कुतः सत्यं च कामिनः, एक कामी पुरुष कब सच कहते हैं? कभी नहीं। तस्करस्य कुतो धर्म, जो चोर है उनका पास क्या धर्म है? जो चोरी डकैती करते हैं उनका पास क्या धर्म है? कभी नहीं। अधर्मम धर्ममिति स्याद मन्यन्ते तमसावृता, प्रकृति का धर्म आसमान अनंतवान है, स्थिर है। आकाश का विभाग आप सुन लो,
पहले आकाश, आकाश का कुछ ऊपर जाने से महाकाश जहाँ वायु रहते नहीं, वायु तो रहते लेकिन ये प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो मिलता नहीं, केवल हाइड्रोजन है। इसका ऊपर महाकाश, महाकाश का ऊपर शून्याकाश, शून्याकाश का ऊपर द्युलोक, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अणुयंत्र से भले भांति देखा जा सकता है या नहीं। इसका ऊपर द्युलोक, द्युलोक में चंद्र, सूर्य, ज्योतिष और विद्युत रहता है, विद्युत आकाश में भी रहता है। अग्नि अरण्य निहिता जात वेद, सूर्य संजमाद भुवन ज्ञानम, चंद्रमा मन सो जात है, चंद्रमन का प्रतीक है और सूर्य विवेक का, दिमाग का प्रतीक है। विद्युत चपड़ा ये चंचल है, ये ज्योतिषमान जगत का। आसमान का बाद वायु, वायु सर्वत्र गो महान, वायु अनंचास प्रकार है। नाग पद्म कुरुकालश्च देवदत्त, कुरुकाल कुर देवदत्त धनंजय, प्राण पान व्यानश्च उदान इव समानकम, दस महावायु है। इन वायु शरीर में अपान वायु सब निस्सरण करवाते हैं, समान वायु सबको समान में रखते हैं, प्राण वायु जीवन धारण का अवलंबन है, उद्दान वायु ऊपर को उठाते हैं, अपान वायु नीचे जाते हैं, ऐसे वायु का कर्म है। वायु का तीन प्रकार गंध है, इष्ट गंध, अनिष्ट गंध और मिश्र गंध। दुर्गंध बदबू, सुगंध खुशबू, मिश्र गंध दोनों मिलाकर, और निर्गंध कोई गंध नहीं। वायु सुखाते हैं गीले कपड़ों को, शुष्क कर देते हैं। वायु जाड़ में ठंड करते हैं, सर्दी महीना में वही वायु वसंत ऋतु में बहुत आनंद देते हैं। बारिश में शरीर को हिलाते हैं। वायु आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि ये रूपमय है, वायु स्पर्शमय है, आकाश अनुमान सिद्ध है। अग्नि तेजवान है और प्रकाशवान है। अग्नि अग्रणी, अग्नि तत्व से आत्मा आता है, आत्मा अग्नि तत्व से आता है। अग्नि का कोई प्रकार भेद है, सात जीव है अग्नि का, कालिश्च कराली मनोजवश्च, सात जीव है। हवीर भोगता है, सर्वभक्षी है अग्नि, सब खा देते हैं, सबको राख बनाते थे, भस्म भस्म सात कुरुते। गीता में भी है ना, जथे धान से समिद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरुते तथा। ज्ञान का अग्नि सबको खत्म कर देते, ज्ञान अग्नि, क्रोधाग्नि, कामग्नि, जठराग्नि, चीताग्नि, बड़वाग्नि, ऐसे कोई प्रकार अग्नि का भेद है। पार्वती नाम अग्नि, वैष्णव नाम अग्नि, देवी पूजा में पार्वती नाम अग्नि लगते हैं, विष्णु पूजा में वैष्णव अग्नि लगता है। तो अग्नि सब जलाने वाला है और अग्नि को कम नहीं समझना, रोण रोग और अग्नि और दुश्मन, इसको कमजोर नहीं समझना, थोड़ा सा नहीं बोलना, क्योंकि ये कभी बढ़ सकते हैं, इससे सावधान।
अग्नि का बाद जल को आओ, अग्नि से रूप प्रकट होता है। ये तो प्रकृति तत्व है, प्रकृति से जब प्राकृतिक शरीर के बारे में हम आएंगे इसका सिलसिला समझाएंगे। फिर आ जाओ जल तत्व को, जल मिष्ट है, क्षार है, लवण है, शर्करा है, मीठो है, खारो है, हर कोई प्रकार जल है। जल संघातनात् पानी विनाश कर देते हैं, और जल जीवन है, प्राण भी है। प्राण को, प्राण वायु को बचाने के लिए आप 63 दिन तक केवल पानी पीकर भी बच सकता है, जल जीवन है। और जल संघातनात् जल विनाश है, प्रकृति का विपर्जय भी तो है ना। जल का बात पृथ्वी, ये गंध तत्व है, पृथ्वी गंधवती, सबका संतुलन होना चाहिए। हवा का जब आंधी आएगा सब कुछ उड़ा देते हैं, हवा स्थिर भी है और अग्नि जलते हैं और स्वयं राख हो जाते हैं, भी अग्नि भी राख हो जाते हैं। जल ऊपर भी उड़ते, नीचे भी उड़ते, नीचे भी जाते, मशीन में पानी उठाया जाता है ना पातालपुर से, ऊपर को लिया जाता है ट्यूबवेल से, लेटरिन बाथरूम में लगता है। लेकिन जल का धर्म निम्नगामी है, जल गीला कर देते हैं, भीगो कर देते हैं, और पृथ्वी ये पार्थतिथि पृथ्वी सब कुछ प्रोडक्शन करता है, धरती माता। विपर्जय में पृथ्वी स्थल भाग जल भाग भी हो जाते हैं, अग्नि उद्गिरण ज्वालामुखी भी निकलता है, मिट्टी फट जाते हैं, भूकंप भी होता है, ये भी विपर्जय है। जल ऊपर उड़ जाता है समंदर का, जैसे हम साइक्लोन कहते हैं, एक साल दो साल में समंदर किनारे कोई गांव कुछ किलोमीटर जल में डूब जाता है, आंधी भी आता है, ये विपर्जय है। ऐसे यह प्रकृति का खेती आप तेज वायु आकाश का धर्म, विधर्म साधर्म और धर्म, ये तीन प्रकार। फिर जीवात्मा का धर्म क्या है? ये जीवात्मा विषया को उपभोग करते हैं और ज्ञान होने से प्रभु का अन्वेषण करता है, जीवात्मा विषया को त्याग करते हैं। मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मुख्य यो बद्धे विषया संगी मुक्त निर्विषय मन। मन को जो भाते वो करते, भला बुरा सोचते नहीं, भला बुरा सोचकर जब चलते विषया में से दूर रहते तो आत्मा मुक्तत्व बन जाते हैं धीरे धीरे। और विषया में फंसने वाला बद्ध बंधन में पड़कर कोई प्रकार जन्म ग्रहण करते हैं। ये है आज का प्रकृति खंड का। अहंकार मनोबुद्धि, अहंकार सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, काम करने का जो जोश है इसको अहंकार कहा जाता है। और पराया कुछ नहीं देखकर जो सहन नहीं करती है, ये प्राकृतिक अहंकार है। ये प्रकृत अहंकार कृष्ण दास बोली सीना मन घर बमर, मैं भगवान का दास हूँ इसीलिए मेरा मन में घमंड है कि मैं दासत्व स्वीकार कर लिया, मान लिया कि बाकी बिहारी लाल मेरे प्रभु है। ये सबसे बड़ा अहंकार है। भगवान शंकर जी कहते ना, अहं वेदमि सुख वेत्ता व्यास वेत्ते न वेत्ति वा भक्त्या भागवत ग्राह्यम न च श्लोके न टीकया। ठीक है, ये प्रकृति खंड का दूसरा भाग है। फिर तीसरा भाग को हम चर्चा करेंगे,
जय राधेश्याम, जय सीताराम, हरि हरि बोल।